वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल अमित व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है और एक नए वीडियो में जय जोहार जय छत्तीसगढ़ से हमारी मिला। तो चलिए चलते आज जो है व्लॉग स्टार्ट करते हैं और अभी अपन चलते हैं टाइम वाली रोड पे। यहाँ पे ना इस रोड पे मैंने काफ़ी कुछ व्लॉग जो है स्टार्ट किया, तो चलते बाद में इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि टाइम भी होता जा रहा है। चलते हैं फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं और ये ना माउंट से मेरे को ना बार बार दिक्कत कर उसको लगा लेते हैं, गिरेगा तो नहीं, बार बार दो बार गैस गिरते मैं दो बार फीटते हूँ दो बार गिर गया, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है मेरे को आज पता क्यों, बट मैं स्लो चलने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा गाड़ी ऊपर कर लेता था क्या भाई थे कौन जगह नहीं दे रहा इतना बड़ा जगह क्या। तो अपन बात कर रहे थे कि कल है रथ यात्रा, कल है 1 जुलाई, बहुत ज़बरदस्त माहौल होने वाला है 1 जुलाई में, क्योंकि यार 2 साल से कोरोना काल के वजह से ना कुछ प्रोग्रामिंग नहीं हो पाया है, जबकि जगन्नाथ यात्रा में किस प्रकार का माहौल रहता है, रथ यात्रा में निकलता है, मज़ा जो आता है ना वो नहीं हो पा रहा था 2 साल कोरोना के चलते। बट इस साल जो 2 साल का कसर है ना वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इस साल का जो माहौल है वो अलग ही लेवल का होने वाला है, तो अपने को भी पता है, देखेंगे कल आपको भी दिखाएंगे। और स्टॉल लग रहा है तो खतरनाक भाई, अलग ही लेवल का खतरनाक सीन जो है दिख रहा है। लाइटिंग वाइटिंग जबरदस्त देखने को मिल रहा है, वाह ये सीन लेकिन थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है यार, इस तरफ पूरा लाइटिंग मस्त लग रहा है खुद ही बोला, और इस तरफ पूरा जो है खाना पीने का स्टॉल लग रहा है और कुछ कुछ झूला भी है। सब अपना अपना तैयारी कर रहे हैं, ये कल से ही जो है मतलब ओह शिट कितना दिन रहेगा भैया यहाँ, 10 दिन फुल मतलब लग रहा है झूला वूला, और इस पर बड़ा बड़ा झूला नहीं लगे, गणेश पूजा में लगता है ना सर। अच्छा तो बहुत पहले से लग जाता था लेकिन इस बार तो अभी टाइम है नहीं, अगर पूजा इसमें तो अभी तो कितना छोटा छोटा ज़्यादा लग रहा नहीं तो इसे ही लग जाता था, पर ये झूले छोटे छोटे लगते हैं। 2 साल से तो कुछ माहौल ही नहीं था कोरोना के चलते, इस साल होने वाला है जबरदस्त, लगा थे दरबार झूले लगा थे नवरात्रि में। ये आपका क्या आइसक्रीम का दुकान है क्या? आइसक्रीम का, आइसक्रीम का दुकान लगा चाट ये वाला पिज्जा बेस और वाला ऐसा ही बढ़िया है। और इस तरह ये वाला तो अपन बहुत सारे में देखे हैं वैसे, ये वाला चीज मैं लेकिन ना मन भी लगता है कि इसमें क्या झूल है क्या, पर है लेकिन ये क्या लिखा है उसमें सम प्ले, बाकी इधर तैयारी चल ही रहा है अभी, तो कल देखने को मिलेगा जबरदस्त वाला माहौल, इधर झूला चल रहा है तैयार, इधर इस तरफ रखा ही है हाँ, तो ये गोल गोल घूमने वाला झूला है साथ, अभी चल रहा तैयारी इसका एकदम। चलो अब सेक्टर 6 की ओर चलते हैं अपन, सेक्टर 6 सबसे पहले चलेंगे अपन मंदिर की ओर, अंदर चले जाओ गजब,
तार फाड़ा ही चला रहा तो फिर अपन आ चुके हैं अभी सेक्टर 10 के जगन्नाथ भगवान के पंडाल पे, और ये कुछ इस तरह का, एक मिनट यार, हाँ अब सही दिख रहा है, लाइट पड़ जा रहा है पीछे से। और आज जो है, आज लास्ट है, मतलब आज तैयारी का, अभी तो बैठ जाएंगे तो, और कल से जो है आज का जो माहौल है वो एकदम कम है, क्योंकि आज का जो तैयारी है वो लास्ट एकदम एंडिंग पोजीशन पे है। इसके बाद आज जो पूरा बचा कुचा जो बोल सकते हैं ना, आपने जैसे देखा सामने में फूल उल का काम जो है चल रहा है, तो फिर वो पूरा लग जाएगा तो और अच्छा लगेगा। बाकी इसमें ऐसे बहुत चला रहा है, मस्त रहा है। लाइट आ जा रहा है पीछे से, मैं ना सामने से दिखाने की कोशिश करता हूँ, सामने से डाल के लाइट आ जा रहा है, मस्त लग रहा है, जबरदस्त। भैया यहीं के हो आप? नहीं सर, कलकत्ता से। तो मतलब यहाँ सिर्फ पंडाल में आते हो? हाँ भाई। मतलब यहीं रहते हो कि सिर्फ इसी सीजन में आते हो? इस सीजन में आते हम लोग, अच्छा चला जाएगा। अच्छा, तो खत्म हो जाएगा तो हम लोग चला जाएगा। अरे मतलब पूरा अभी दुर्गा पक्ष तक रहा हो गया? नहीं नहीं, तो सिर्फ अभी आए जगन्नाथ काम करने आया है। अच्छा, चला जाएगा फिर बुलाएगा तो फिर आगेगा। अरे बढ़िया, लेकिन मार रहे हो आप, मस्त लगा। ये सब चीज सीखते हो भी आप सब? हाँ। इसके बाद की आपको एकदम शुरू से ही आपको आदत है सब? हाँ भाई, क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी बंगाली मिस्त्री रहते हैं उनका जो फिनिशिंग रहता है पंडाल पे, वो अलग ही लेवल का रहता है, वो अलग होगा जो अपन नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते वैसे टाइप से। जैसे आप एक देखो ना, एकदम मोड़ मोड़ के मार रहे हैं, और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं कर सकता हूँ। कहाँ से हो भैया? मतलब कलकत्ता से। क्या नाम है आपका? छोटू। छोटू, एक बार इधर देख तो लो भैया थोड़ा सा, बस मुस्कुरा दिए ना, बस बढ़िया। मिस्त्री है कौन? कुमार मंडल। तो ये मतलब कि आपका कोई टेंट के तरफ से, कौन सा टेंट है ये? सीमांचल। अच्छा, छत्तीसगढ़। बहुत तगड़ा दिख रहा है। लाइक इन आउट। अच्छा, बहुत सही लग रहा है, बोले बहुत जबरदस्त। तो ऐसे टाइप से बता रहे हैं, मैं बोला चलते फिर अपन भी सेक्टर 6 पंडाल की ओर, और मंदिर भी चलेंगे, जाके देखेंगे वहाँ जो रथ यात्रा है उसके लिए जो रथ यूज होता है ना भगवान के लिए, उसका भी जो तैयारी है वो देख के आएंगे अपन, क्योंकि वही मेन चीज है, रथ ही देखेंगे उसके बाद ही आएंगे अपन। चलते हैं फिर आगे की ओर। बहुत मस्त जो है डेकोरेशन हुआ है, और इसी में जो है गणेश जी भी बैठते हैं और दुर्गा माता भी बैठते हैं, तो जो है दोनों तरफ हर मतलब कि जैसे गणेश जी बैठेंगे तो उसके लिए अलग डेकोरेशन, उसके बाद फिर जो दुर्गा भगवान बैठेंगे उसके लिए अलग डेकोरेशन, और ये जगन्नाथ भगवान के लिए अलग डेकोरेशन। चलिए फिर चलते अपन सेक्टर 6 की ओर। और
भाई जब से मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं यार, दिखेगा तो अच्छा। ये चलते हैं फिर सेक्टर 6 की ओर और सेक्टर 6 का पंडाल देखते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं। बाकी मैं थोड़ा लेट हूँ, मौसम जो है पानी, सुबह पानी गिरा है, आज अच्छा पानी गिरा है और दो दिन तो अभी बारिश गिरेगा ही गिरेगा क्योंकि जगन्नाथ भगवान की जो यात्रा है उसमें बारिश ना गिरे ऐसा हो नहीं सकता। रथ यात्रा में पानी गिरता ही है, हर साल गिरता है। तो चलते हैं फिर सेक्टर 6 जगन्नाथ मंदिर और सेक्टर 6 पंडाल की ओर। चलो फिर हरिद्वार में ये जो है जगन्नाथ मंदिर है जो बंद है, इधर चलते हैं अपन आगे। ये है रथ, इसी रथ पे कल जाएंगे जगन्नाथ महाराज। ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये पूरा मंदिर है जिस पे जगन्नाथ भगवान जाएंगे अपने दीदी के घर पे। ये इधर दो घोड़े और इधर दो घोड़े मस्त लगते हैं देखने में। वाह, इसमें कुछ कुछ बना हुआ यार, इसको वो देखते बनता है। पूरा पहिया है। अरे बाबू ब्लैक कलर, अरे बाबू करते करते उठाते नहीं हो, नाम तो नहीं पता। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। नीचे का भी लगाते जा रहा ना। ये पूरा हाथ से बनाते क्या भैया, इसको पूरा हाथ से बनाते हो कि ये मतलब अलग से आता है सिर्फ आज के लिए? मस्त लग रहा है। कि यहाँ पे गणेश जी और यहाँ पे बजरंग बली, अरे राम भगवान है, लक्ष्मण है और यहाँ पे बहुत सारे भगवान के जो है सब चारों तरफ से फोटो लगा हुआ है। मस्त है पूरा, इसमें जो पेंट है ये देख रहे हो आप सब, ये पूरा होम मेड है, यानी कि हाथ से किया गया है।
ये जितना इतना बड़ा रथ है पूरा हाथ से बनाया गया, मस्त लग रहा है इतना जबरदस्त। जगन्नाथ भगवान का मंदिर जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये शायद यहाँ पे ये देख सकते हो इस तरफ से जो है भगवान का जो है मंदिर है। ये अपन सेक्टर 6 के जगन्नाथ मंदिर में और ये है मंदिर। मेरा बाल खराब हो चुका था। हेलो बोलिए। उस तरफ देखा आप सबने कि जो है रथ का जो है काम चल रहा है और उसमें कुछ कुछ जो पेंट है डिटेलिंग है वो सब काम जो है चल ही रहा है। कल तक एकदम चकाचक हो जाएगा। फिर श्री जगन्नाथ महाराज को वहाँ से लेके अपने पंडाल की ओर लेके जाएंगे। एकदम रथ में खींचते खींचते मज़ेदार और एकदम बाजे गाजे के साथ में। और आपको ये मंदिर दिखाता हूँ। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मेरे लिए भी ये कुछ एक्साइटेड बनी है। चलिए इसे चलते हैं मंदिर की ओर। और यहाँ पर भी एक मंदिर है। अरे यार ये हेलमेट को ना टंगाना पड़ेगा। और यहाँ पे इस तरफ से जाके थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। जय श्री शंकर भोलेनाथ। यहाँ पर है शिव जी का मंदिर और इस तरफ से है गेट। शायद इस तरफ से गेट है एक, जो एक इस तरफ से है उस तरफ से दो रास्ते हैं। अपन उस तरफ से है बड़े वाले गेट तरफ से। ये छोटा सा गेट है, इस तरफ जो है छोटा वाला गेट है। इधर मस्त जो है डेकोरेशन वेलकम। और ये है मंदिर जगन्नाथ भगवान का। इस तरफ लेके चलता हूँ और मेरा हेलमेट का माउंट सेट गिर गया। यहाँ पे दो ढो शेर है देख सकते हो। इस तरफ है एक ठो और इस तरफ। उस तरफ तो नहीं जाएंगे भाई, माना उस तरफ मंदिर तरफ तो। हाँ अब ठीक है, चलते हैं इस तरफ तो देख लिया अपन। और अंदर का ब्लॉग इसीलिए नहीं किया मैं क्योंकि नहीं करना चाहिए। अब कल पूजा है ना और तैयारी भी चल रही है अंदर। बाकी अपन इस तरफ आ गए हैं पीछे तरफ मंदिर के जस्ट। और एक और व्लॉगर है जो आई है, उनका भी व्लॉग में देखा हूँ मैं। और ये देख सकते हो उस तरफ से मंदिर दिखता है। बाकी अपन बैक कैमरा से दिखाते हैं। इस तरफ से भी गेट है शायद। गिर चुका है हमारा। इस ये भी पूरा एकदम देखा जाए ना तो रथ का जो स्ट्रक्चर रहता है उसी टाइप से बना है। यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरफ पूरा जो है वो लगा हुआ है दोनों वाले। और बाकी इस तरफ है, इस तरफ भगवान जी है। अब उस तरफ चलते हैं। उधर नहीं दिखाएंगे ज़्यादा। बाकी ये मंदिर है, मंदिर के जस्ट पीछे एकदम जो है ये पूरा पेंट हुआ लग रहा है। अभी नया दिख रहा मस्त। सबसे बड़ी उसी दिन ही समझ
काम बने लेकिन यार मंदिर मस्त लग रहा है। इस तरफ पूरा वॉइस ओवर करना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिखा सकते ना? सब जगन्नाथ भगवान का श्रृंगार है क्या? तो जो मंदिर में वही जाते हैं कि उनका अलग से? नहीं नहीं, अच्छा अलग कैसे ले सकते? अभी भी शायद कुछ पूजा चल रहा है शायद अंदर पे। क्या चीज का पूजा चल रहा है अंदर में? कुछ नहीं शायद, महाराज वहाज लोग वहाँ पे खड़े थे। आरती होगा ना? अच्छा यहाँ के तो वो सेक्टर 6 वाले पंडाल में जाते होंगे और बाकी वो सेक्टर 4 वाले वहाँ से सेक्टर 10 है ना। तो कितना बजे निकल जाएगा यहाँ से रथ यात्रा? 4 बजे। 2 साल से तो कोरोना के चलते माहौल ही नहीं था, इस साल पूरा मस्त से होने वाला है। इस साल हमारा मंदिर ना वो गोल्डन जुबली है, अच्छा स्वर्ण जयंती है, तो बहुत ही अच्छा माहौल होने वाला है इस बार। इसीलिए सब पूरी से मंगाया गया। कहाँ से आई? पूरी से, जगन्नाथपुरी से। अच्छा इस तरह से देख सकते हैं ना, राम बलराम का हाँ उस सब अवतार आया है। अच्छा अवतार रोज रोज एक पूरा बाकी इस तरह देख सकते हो। ये पूरा शायद यहाँ पे प्रसाद वितरण का जो है कार्यक्रम या फिर कुछ कुछ कार्यक्रम जो है यहाँ पे होता होगा। इसका आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा जो है कुछ कुछ जो है रखा हुआ है। ये शायद भगवान के श्रृंगार वगैरह कुछ है और इसमें कुछ कुछ जो है मूर्तियाँ की स्ट्रक्चर भी दिखाई है वो ऐसे टाइप से। और बताया ये जा रहा है कि कल यहाँ मंदिर की स्वर्ण जयंती है, तो अलग ही जो है कल का वाइब रहने वाला है और बहुत ही अच्छा जो है फील यहाँ पे आने के बाद होता है। मैं उसको बयां नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ और एक बार और आया था बट मैं बहुत छोटा था जब आया था, तो उस टाइम मैं उतना बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था। मतलब कितना बोल सकता हूँ मैं, 2 से 3 साल नहीं है तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, 7 साल के करीब होऊंगा मैं तब यहाँ पर आया था। और ये है मंदिर जगन्नाथ भगवान का और बाकी ये इस तरफ देख सकते हो। बाकी फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और जो है ब्लॉगर वहाँ आए, मैं पीछे से दिखाता हूँ। अमित वी लॉग हाँ मैंने हाँ अभी भी स्टार्ट नहीं, आपका ब्लॉग तो मैं देखा हूँ, आर्ची ब्लॉसम ना, देखा हूँ। तो फिर चलते हैं फिर, अरे यार चलते हैं फिर। और वाओ सो क्यूट, क्यूट बोलते हैं। हाँ भाई अरे ये तो वीडियो बनाया लगा हूँ मैं। अरे बन की वीडियो
भाई अब भी पहुंचे हुए थे सेक्टर 6 गए रहो मंदिर भागवत है जो अरे डॉक्टर हेलमेट भी लगा रहे हाँ ये तो शुरू से रखे लेकिन सिर्फ चलते था रिकॉर्ड होते बाकी ट्रायपॉड है मोर पास मोबाइल से रिकॉर्ड करते ना फिर ये है सेक्टर 6 का पंडाल और यहाँ पे आएंगे सेक्टर 6 के जगन्नाथ भगवान और ये देख सकते हो यहाँ का जो है डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त लग रहा है लेकिन जब ऐसे बांस वांस का बना रहता है ना तो पता नहीं चलता है कि इतना ज़बरदस्त होगा ये बनेगा करके लेकिन जब बन जाता है तो आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है देखने में और इस तरफ हमारे जो है साउंड ताज का तैयारी तो कैसे करेगा भाई किसको लाऊं हो गया चल रहा है जगन्नाथ मंदिर की ओर बाकी घर चल रहे काम अभी भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम चल रहा है सुबह मैं आया था तो इतना जो है काम हुआ नहीं था बहुत कम हुआ था बट उससे मुकाबले बहुत ज़्यादा काम हो गया था तो यार कैसे एकदम लाइट पड़ जाता है ना तो फिर एकदम अभी भी देखिए पीछे लाइट हो गया हाँ अब ठीक है आ चुके हैं अब सेक्टर 4 जगन्नाथ भगवान के मंदिर और ये है मंदिर सेक्टर 4 जगन्नाथ भगवान और यहाँ से निकल के जाएंगे सेक्टर 10 में जो पंडाल दिखाया मैंने आपको वहाँ पर और वो रथ देख रहे हैं यहाँ भी सेम मस्त वाला जो रथ है जहाँ जैसे सेक्टर 10 में बना था वैसा यहाँ पर भी बना हुआ है बहुत प्यारा लग रहा है और अभी थोड़ा ना रात हो गया उसके कारण थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा बाकी लेकिन मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का नाइट और दिन में बहुत फर्क होता है तो क्या कर सकते हैं आप बाकी ये देख सकते हो बहुत बड़ा जो है मंदिर है मेरा भी यहाँ तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ वैसे सबको बता दूँ और यह पूरा मंदिर का एरिया बहुत बड़ा सा एरिया में है और पीछे है जगन्नाथ भगवान का मंदिर तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर वहाँ से चलते फिर अंदर की ओर और अंदर लेके चलते हैं मंदिर के पास में भगवान का दर्शन करा दें आप सबको चले फिर और इस प्रकार दिखता है सेक्टर 4 का मंदिर और ये सामने में दिख रहे हमें रथ जिस पे कल जगन्नाथ भगवान अपने दीदी के घर लेके जाएंगे तो फिर चलते हैं अंदर की ओर और अंदर आपको रथ दिखाते हैं अब
हनुमान जी का, और मंदिर में चल रहा है अभी आरती, तो अपन कोशिश करेंगे बाहर बाहर से दिखाने का, अंदर तो अपन देखते हैं। और ये है बात, मौसम देख सकते हो आप, बहुत अच्छा बन चुका है मौसम बारिश का, कभी भी बहुत ज़ोर से बारिश आ जाएगा। और मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ, फिर यहाँ पर भी मेरा फर्स्ट टाइम आना हो रहा है, मेरे को पता भी नहीं था, बट तो मैं पूछते आया हूँ मंदिर तक। और ये है कुछ मंदिर, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ कोशिश, अच्छे रहता है और बहुत बहुत ही अच्छा मतलब वाइब यहाँ पे आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त। आगे चलते हैं अंदर की ओर, नीचे जाए आप सब डेकोरेशन के लिए। जगन्नाथ भगवान का मंदिर, और बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का जो व्यू है ना, और क्या बोल सकते हैं, एक वाइब जो रहता है वो अलग ही किस्म का है, जिसको अपन बयां नहीं कर सकते। और अभी बहुत खाली खाली है, बट यही जगह आपको कल देखने में इतना ज़्यादा भीड़ लगेगा, इतना मतलब अलग ही किस्म का जो है ना माहौल होने वाला है कल। यहाँ पर जो लाइट पड़ रहा है उसके कारण थोड़ा है ना डिस्टर्ब कर देते हैं अपन, तो फिर कल जो है ना, कल का जो माहौल होने वाला है ना बहुत ही बढ़िया होने वाला है, जो मैं आपको कल वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और आपको यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल है जिसके माध्यम से कल वीडियो मिलेंगे, बट हमारे में कुछ अलग और कुछ खास होने वाला है। तो फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल अमित व्लॉग को इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा और जय जोहार, जय छत्रीय मतारी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ना, बगल में नोटिफिकेशन वाला बटन है जिसको ऑल पे सेटिंग कर देना, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये बोलना भूल गया था मैं, इसलिए फिर से बोल दिया। बाकी चलते हैं फिर घर की ओर, और चलते हैं फिर।